तनिषा वो आ गई, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ भाई। क्या हुआ तुम्हें मिस्यू का जवाब नहीं मिला? तनिषा। हाँ भाई। नाम ये और है। सिद्धार्थ पीछे। क्या हुआ? देखा लोग। देखा तुम। प्रॉपर मत चलना। हम लोग देख रहे। बस रुकी। कंटिन्यू। आज काफ़ी अलग अवतार है फालतू का। आज तनिषा ने उसको अपने हाथों से तैयार किया है तो उसे ऑब्वियसली वियर्ड लग रहा है। उसके लिए लाइफस्टाइल कंफर्टेबल नहीं है, उसको अजीब लगता रहता है कि ये क्या पहना दिया। पर अब वो चाह रही है इनमें घुलना मिलना मार्ट साहब की खुशी के लिए, ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए फालतू जो कर सकती है कर रही है। सो ऑब्वियसली अगर ट्विस्ट चाहिए, तड़का चाहिए, तो सब तो आपके साथ खुश नहीं हो सकते, कुछ लोगों को इश्यूज होंगे। और ये सिद्धार्थ का एक प्लान है, सिद्धार्थ कुछ करने वाला है फालतू के साथ, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फालतू वो पार्टी हो ही इसलिए रही है कि फालतू की बैंड बजे, पर अब फालतू कैसे उस मुसीबत से निकलती है ये जानने के लिए आपको एपिसोड देखना हो। सो बहुत सारे फैंस को एक्चुअली फालतू की सादगी वाला नॉर्मल लुक पसंद है, बट कई बार वो कहते हैं कि हमें फालतू को दूसरे अवतार में भी देखना है। तो अब उनकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि अब ऐसे ही कोई ना कोई तो ओकेशंस आएंगे जिसमें फालतू के यूजुअल से अलग यू नो आउटफिट्स होंगे। सो लेट्स सी। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि हमारे शो को इतना प्यार दिया। मैं चाहती हूँ ऐसे ही प्यार देते रहो और देखते रहो कॉन्स्टेंटली। आगे और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अमेजिंग ट्विस्ट है। I promise won't disappoint. बस करो फालतू, एक बार बोल बोल कर मेरा काम उठा दे तू। मैंने बोल दिया तुम जा रही हो तो जा, बस बात करो। दादी साहब, थे समझाओ ना इन लोगों को, मेरा पार्टी शार्टी में क्या काम, मैं घर में रहकर थारा काम हूँ, मैं हाथ बटाऊंगी। फालतू क्या बोल रही हो तुम? नहीं वहाँ बुकिंग दादी। बस अब जो मैं कहूँगी वही होगा। नो दादी।
दादी प्लीज। दादी शाह, जिद नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है दादी, क्या मना कर दी सब? फालतू पार्टी में जाएगी। फाइनली क्या है सब? कितनी सुंदर दिख रही है, जा मजा कर। अरे थोड़ी मस्ती कर, तुम बच्चे जाओ मस्ती करो, पार्टी करो, जाओ। करेक्ट, अब तुम्हारी कूल ऑटो पीने चली गई, अब तुम हमारे साथ पार्टी में जा रही हो, एंड दैट्स फाइनल। क्या आप सब लोग इसके पीछे पड़ रहे? अगर इसे नहीं जाना है तो रहने दो ना, वैसे भी इसे मुंबई नाइट क्लब समझ नहीं आया। समझ नहीं आएगा तभी तो जाना चाहिए बुआ से। एग्जैक्टली, मतलब शहर में रहना है इसको तो यहाँ की लाइफ में यूज्ड हो जाएगी। और मैं हूँ ना इसके साथ, आई मेक श्योर कि फालतू अनकंफर्टेबल फील ना करे, मैं ध्यान रखूंगी इसका। और अगर फालतू कभी नहीं जाना चाहती है तो ठीक है, हम सब भी नहीं जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो भाई? हाँ और क्या किंचु, अगर फालतू हमारी गेस्ट है उसकी कंफर्ट हमारा प्रायोरिटी है, और फालतू अगर घर में रहना अच्छा लगता तो हम सब भी साथ में रहेंगे, यहीं चिल करेंगे। फालतू ये प्लान ठीक है तुम्हारे लिए? एक्चुअली मेरे साथ चलो, तुम्हारा कोट का बटन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमारे चक्कर में अपनी पार्टी ना कैंसिल करो, अब थैले इतना अच्छा सजा ही दिया है तो मैं भी मुंबई का ये रंग देख लेती हूँ, चलूंगी थैलो के साथ पार्टी। तो चलो चलो, इससे पहले इसका मूड बदल जाए, निकल लेते हैं।